अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज हैं। ठीक हो गया, इसका चैप्टर मैं कर लिया था। तो ये कुछ ऑनलाइन मुझे डाटा मिल रहा है, बाकी जो बुक में से है, मेरे पास बुक पड़ी है, उसमें से भी मैं आपको शेयर करूँगा ताकि हमारी पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और ये डिफरेंट बोर्ड्स में देखें, सवाल रिपीट हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2007 में लाहौर बोर्ड में आया हुआ। और सवाल क्या था? सवाल ये है कि डिफरेंशियल ऑफ वाई, एक होता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं, और एक होता है डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल है, तो ये जो डी एक्स और डी वाई लिखे जाते हैं, इनको बोला जाता है कि ये डिफरेंशियल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंशियल ऑफ वाई, तो वो आपके पास ही आ जाएगा सी। ठीक हो गया। सिमिलर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज डिनोटेड एज, तो वो ये डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, किसका रिवर्स प्रोसेस है? तो इसमें आ जाएगा ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अच्छा जी, और ये हमारा वो जो क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये बड़ा मशहूर सा फॉर्मूला है जो हमने सारी इंटीग्रेशन में इस्तेमाल किया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाती है आपके पास? एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसमें आपके पास देखें, मैच करके ए बी सी में से कौन सा आ जाएगा? ये सी वाला आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उलट प्रोसीजर है, तो आप डायरेक्टली इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं कि ये डेरिवेटिव ये कैंसिल हो गया आपके पास ना, ये एक्स पावर एन आ जाएगा, साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको करके देखना चाहें तो वो कैसे होगा, आप पहले ना इसकी डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन आ जाएगी एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन ख़त्म होगी। अब बाकी रह गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए एन तो बाहर चला गया, बाकी रह गया एक्स पावर एन माइनस वन। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे उसमें वन ऐड कर देंगे पावर में, और उसी से ही डिवाइड कर देंगे, साथ में एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये नीचे भी प्लस माइनस एन कैंसिल, ये एन इसे कैंसिल, तो खाली आपके पास एक्स पावर एन बच जाएगा और यहाँ से सी बच जाएगा, तो वो आपके पास ना ये वाला ऑप्शन बन जाएगा डी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो ये एमसीक्यूज में दिया हुआ है, लेकिन एमसीक्यूज की बजाय ये शॉर्ट क्वेश्चन में होना चाहिए था। आप डायरेक्टली इसके ऊपर इंटीग्रेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे लॉग ऑफ एक्स इंटू वन डी एक्स, और यहाँ पे आप जो है ना बाई पार्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाई पार्ट फार्मूला अप्लाई करने के लिए लॉग वाली वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, और इसके ऊपर जब बाई पार्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप,
तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, मैं आपको डिटेल में लिख के बताता हूँ। log x as it is, 1 dx माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा, साथ में इंटीग्रल 1 डी एक्स और इनका होल डी एक्स। इसको सॉल्व करें जब इसकी इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी और साथ में एक्स लॉग एक्स माइनस फॉर्मूले का, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास एक्स आ जाएगा साथ में ये वाला डी एक्स। अच्छा अब ये आपस में कट गया, सिर्फ वन रह गया, तो वन की इंटीग्रेशन आपके पास ना एक्स आ जाएगी, तो आखिरी स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स और माइनस एक्स, साथ में एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा और यही इसका आंसर है, लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स माइनस वन, ये वाला ये एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं, और इसका ना आंसर देखिए यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, आंसर उसका आंसर क्यों नहीं, एक्स लोग एक्स माइनस एक्स ही दिया हुआ आंसर ही है इसका। अच्छा जी यहाँ पे चलते हैं, आपके पास ना एक फॉर्मूला है, डी बाय डी सॉरी सीकंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये सीकंट एक्स के बराबर होता है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो सीकंट 5x है इंटू टेंजेंट 5x है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जो एंगल का 5 है, जब डेरिवेटिव लेंगे एंगल का तो 5 आ जाएगा, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, क्योंकि थर्ड वाला आएगा ये वाला, उसमें ना बी वाले में सीकंट एक्स लिखा हुआ है, सीकंट 5x नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, ये गलती से देखिए मेरे से भी वो बी ठीक हो रहा था, ये बी नहीं है, इसका आंसर है सी। अच्छा जी इसी तरीके से इसका जो सवाल नंबर 8 है इसमें देखें माइनस साइन एक्स गिवन है, तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर चला गया बाकी रह गया साइन एक्स डी ए, साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है ना आपके पास होती है माइनस कोज एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा कोज ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गई है बी। चलिए अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 9 पे, ये है जी कोज 2x, तो कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x, और जो एंगल है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाता है साइन 2x ओवर 2 प्लस सी, तो यहाँ से ढूंढते हैं ये कौन सा वाला है, ये आ जाएगा डी वाला साइन 2x ओवर 2 प्लस सी। अच्छा जी यहाँ पे ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो जैसे वो हम क्या करते होते थे, हम डेरिवेटिव को छोड़ देते थे और फंक्शन का जो है पावर में एक ऐड करते थे और उसी से डिवाइड कर देते थे और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला सी। ठीक है जी अब आगे चलते हैं,
अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एक्स पावर माइनस वन लिखा हुआ है, तो आप इसको ना पहले से थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख लें कि बेसिकली वन ओवर एक्स डी एक्स बन जाता है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली लॉग ऑफ एक्स प्लस सी बनता है, और ये हमारे पास ये आ जाएगा डी पार्ट। अगर आप ये करेंगे ना माइनस वन प्लस वन और माइनस वन प्लस वन, तो इसमें होगा क्या, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, ऊपर एक्स पावर जीरो, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए अगर पावर माइनस वन होता हम उसको नीचे शिफ्ट कर देते होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली आपकी बुक का ही सवाल है 3.2 का, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, कोज ओवर साइन को अलहदा कर लेंगे इस तरीके से, लॉग ऑफ साइन एक्स अलहदा हो जाएगा और कोज एक्स ओवर साइन एक्स अलहदा हो जाएगा, ऐसे कर लें। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है ना, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो ये वाला फंक्शन बन जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ, लेट करें जेड इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, तो डी जेड अगर आप मालूम करें तो आ जाएगा वन ओवर साइन एक्स, और साइन का अगेन डेरिवेटिव करेंगे वो कोज एक्स आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा कोट ऑफ एक्स। और यही यहाँ पे लिखा, बल्कि कोट बनाने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये यहाँ पे देखें कोज ओवर साइन ये वाला साथ में डी एक्स, इसको मिलाएंगे तो ये डी जेड बन जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा जेड इंटू डी जेड, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। जेड की आप यही वाली वैल्यू, टेंजेंट जो आपने लेट किया लॉग ऑफ साइन एक्स लेट किया था, वो यहाँ पर रिप्लेस कर दें। आपके पास लॉग ऑफ साइन एक्स इसका स्क्वायर ओवर टू, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो एज इट इज यही हो जाएगी ई पावर एन एक्स, और इसकी पावर का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ये वाला। अच्छा जी, ये जो है आपके पास 14, इसमें आपने एक्स ई की पावर एक्स की बना, आपने इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको सेकंड फंक्शन, और इसको बाय पार्ट फॉर्मूले से सॉल्व करना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, खुद कर लेना। मुझे लगता है इसका आंसर जो है ना ये सी वाला होगा। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी आपकी बुक का सवाल है। इसमें आप क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका डेरिवेटिव बेसिकली बनता है ए, तो हमारे पास ऊपर ए होना चाहिए था, ए नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये डेरिवेटिव बन गया, ये नीचे फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, फंक्शन का लॉग ले लेंगे। साथ में सी ऐड कर देंगे, तो यहाँ से मैच करते हैं, हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा, ये वाला लग रहा है सी पार्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए 15 क्वेश्चंस, बाकी जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम।